हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज हम कैरियर चिल्लर 30XA का रिव्यू करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। है ये है कैरियर चिल्लर 30XA। इसमें तीन कंप्रेसर हैं, तीन स्क्रू कंप्रेसर हैं इसके अंदर, और ये सब उनका कंट्रोल है। कंट्रोल की तरफ बाद में आएंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कंट्रोल के बारे में। ये आप इकोनोमाइज़र देख लीजिए, ये इकोनोमाइज़र असेंबली है, ये लिक्विड लाइन है, ये नीचे फिल्टर कोर है, और ये लिक्विड लाइन सीधी जा रही है इकोनोमाइज़र में, ठीक है। और ये छोटा पाइप जो लिक्विड लाइन से निकल रहा है, ये इकोनोमाइज़र एक्सपेंशन वाल के लिए है। ये इकोनोमाइज़र का एक्सपेंशन वाल है और ये हमारा मेन एक्सपेंशन वाल है जो एवेपोरेटर में जा रहा है। ये हमारा वेपोरेटर के अंदर जा रहा है, ये हमारा वेपोरेटर है। वो दूसरे कंप्रेसर का इकोनोमाइजर है। कंप्रेसर के ऊपर कवर है, नहीं तो मैं आपको कंप्रेसर भी दिखाता। अब चलते हैं कंट्रोल की तरफ। इसके अंदर तीन कंप्रेसर हैं और तीनों कंप्रेसर का कंट्रोल अलग अलग है। ये एक कंप्रेसर का है, ये दूसरे कंप्रेसर का है, वो उस तरफ तीसरे कंप्रेसर का कंट्रोल है। कंट्रोल के अंदर में सबसे पहले फ्यूज सेक्शन है, ठीक है। ये ऊपर में जो है, ये सब कंडेंसर फैन कॉन्टेक्टर है, एक सर्किट के, एक कंप्रेसर के, ठीक है। और ये जो छोटे वाला बोर्ड है, ये फैन कंट्रोल बोर्ड है, और ये जो ब्लू कलर का बोर्ड है, ये सयो बोर्ड है, ठीक है। और इसके पीछे में एक ग्रीन कलर का बोर्ड है, ये वाला, ये कंप्रेसर कंट्रोल बोर्ड है। इसके अंदर कंप्रेसर का कंट्रोल है और ये सामने सयो बोर्ड है। हमारे जितने भी सेंसर हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और इन बोर्डों के पीछे जो है वो हमारे कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर है, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये हमारे दूसरे कंप्रेसर का कंट्रोल है, सेम उसी तरह।